पाठ 9 विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष संख्या मात्रा आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अमित ईमानदार बालक है। वह लड़का मेंढकों पर पत्थर फेंक रहा है। दुकानदार ने 2 किलोग्राम प्याज तोले। कप में थोड़ा दूध बचा है। सचिन की कुछ पुस्तकें खो गई हैं। हमारे घर 4 लोग आए। इन वाक्यों में ईमानदार, वह, 2 किलोग्राम, थोड़ा, कुछ और 4 शब्द विशेषण हैं। ये क्रमश बालक, लड़का, प्याज, दूध, पुस्तकें और लोग शब्दों की विशेषता बता रही हैं। अतः ये विशेष्य हैं। कैसा, कितना, कितने, कैसे आदि शब्दों से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलते हैं वे विशेषण होते हैं। जैसे बालक कैसा है, उत्तर ईमानदार, प्याज कितना, उत्तर 2 किलोग्राम। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग आकार और दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीलिमा ने आज गुलाबी फ्रॉक पहनी है। अनिल एक ईमानदार व्यक्ति है। अजय एक शरारती लड़का। इन वाक्यों में गुलाबी, ईमानदार और शरारती शब्द क्रमश व्यक्ति, फ्रॉक और लड़का संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रही हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण, गुण दोष रंग आकार स्वाद दशा स्पर्श दिशा अवस्था काल स्थान भाव गंध ध्वनि। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये शब्द सर्वनाम ही होते हैं परंतु संज्ञा शब्द से ठीक पहले प्रयोग होने पर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह लड़की हमेशा सच बोलती है। वह घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। छत पर कौन विद्यार्थी कूद रहा है। इन वाक्यों में यह, वह, कोई और कौन शब्द क्रमश लड़की घोड़ा आदमी और विद्यार्थी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा नाप या तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ी सी चाय है। 1 लीटर पेट्रोल लाओ। मेरी गाय अधिक दूध नहीं देती है। इन वाक्यों में थोड़ी 1 लीटर और अधिक शब्द क्रमश चाय पेट्रोल और दूध का परिमाण बता रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा नाप या तोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो आटा लाओ। मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। मुझे 1 गिलास पानी पिलाओ। इन वाक्यों में 5 किलो 2 मीटर और 1 गिलास निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा नाप या तोल बताते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। वहाँ जाने में कम समय लगेगा। हमें उसके विषय में अधिक जानकारी नहीं। इन वाक्यों में थोड़ा कम और अधिक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 खिलौने हैं। कल रात 2 चोर पकड़े गए। वह इस भवन की 3री मंजिल पर रहती है। इन वाक्यों में 4, 2 और 3री शब्द क्रमश खिलौने चोर और मंजिल संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति प्राणियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 स्त्रियां बाजार जा रही हैं। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अतुल 3रे घंटे में कक्षा में नहीं था। इन वाक्यों में 2
आठवीं और तीसरी शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आदमी हमेशा झगड़ने को तैयार रहते हैं, आज रामलीला में कम दर्शक आए, इन वाक्यों में कुछ और कम अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण दोनों के लिए होता है, जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत कम आदि। यदि कुछ, थोड़ा, कम आदि शब्दों के बाद परिमाणवाचक शब्द आता है तो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे दूधिया कम दूध लाया, थोड़ा समय मिल जाए तो मैं यह काम कर सकता हूँ, कम मेहनत से ही वह सफल हो गया। यदि कुछ, थोड़ा, कम आदि शब्दों के बाद संख्यावाचक शब्द आता है तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी आज उपस्थित नहीं हैं, समय के मूल्य को थोड़े लोग समझते हैं, बहुत से दर्शक नाटक समाप्त होने से पहले ही हॉल छोड़ चुके थे, आज सभा में कम महिलाएं आईं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सार्वनामिक विशेषण शब्दों का प्रयोग सर्वनामों के रूप में भी किया जाता है, अतः प्रयोग के आधार पर ही इनके अंतर को समझा जा सकता है। जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तब ये सर्वनाम होते हैं, और जब ये संज्ञा के स्थान पर नहीं बल्कि संज्ञा के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से देखिए। सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। वह आया, वह लड़का आया, यह तुमने किया, यह काम तुमने किया है, कल कोई आया था, कल कोई आदमी आया था, कौन गा रहा है, कौन आदमी गा रहा है, ये तुम्हारे मित्र हैं, ये लड़के तुम्हारे मित्र हैं, वे तो घर गए हैं, वे गायक तो घर चले गए हैं। विशेषण की अवस्थाएं। दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करने हेतु विशेषण से पूर्व से की अपेक्षा की तुलना में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। विशेषण की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, जो निम्नलिखित हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था, यह विशेषण का मूल रूप होता है, इस अवस्था में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जाती अपितु विशेषण का सामान्य प्रयोग किया जाता है, जैसे वह अच्छा लड़का है, तुम सुंदर हो, विनय श्रेष्ठ है। उपर्युक्त उदाहरणों में अच्छा, सुंदर और श्रेष्ठ विशेषण की मूलावस्था है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की तुलना की जाती है, जैसे वह तुमसे अधिक अच्छा है, तुम उससे कम सुंदर हो, विनय दीपक से श्रेष्ठतर है। इन उदाहरणों में अधिक अच्छा, कम सुंदर और श्रेष्ठतर विशेषण की उत्तरावस्थाएं हैं। उत्तमावस्था, इस अवस्था में दो अथवा अधिक वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों आदि की तुलना करके उनमें से एक को सबसे अच्छा अथवा बुरा बताया जाता है, जैसे वह सबसे अच्छा लड़का है, कक्षा में तुम सबसे सुंदर हो, विजय भाई बहनों में सबसे अधिक होशियार है। इन उदाहरणों में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे अधिक विशेषण की उत्तमावस्थाएं हैं। विशेषण की अवस्था के रूप। विशेषण की तुलना में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, तर और तम प्रत्यय लगाकर। संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था में तर तथा उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। जैसे मूलावस्था प्रिय, उत्तरावस्था प्रियतर, उत्तमावस्था प्रियतम। विशेषणों की रचना। अधिकांश विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा होती है। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे बुरा, अच्छा, लंबा आदि। संज्ञा से विशेषण की रचना, जैसे संज्ञा, अर्थ, विशेषण, आर्थिक। सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना, जैसे सर्वनाम यह है, विशेषण ऐसा। क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना, जैसे क्रिया भागना, विशेषण भगौड़ा। अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना,
जैसे अव्यय ऊपर, विशेषण ऊपरी। उपसर्ग से विशेषण की रचना, जैसे उपसर्ग नेह जमा बल, विशेषण निर्बल। प्रत्यय से विशेषण की रचना, जैसे प्रत्यय धर्म जमा एक, विशेषण धार्मिक। उपसर्ग और प्रत्यय से विशेषण की रचना, जैसे उपसर्ग जमा शब्द जमा प्रत्यय। अ जमा कल्याण जमा कारी, विशेषण अकल्याण।